तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग तो टाइटल और थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और उससे अच्छे खासे अर्निंग करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट बताऊँगा, जिससे कि आप एक यूट्यूब चैनल बना करके आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। एक YouTube चैनल बना करके आप उसमें अपना खुद का वीडियो डाल करके उससे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो YouTube चैनल को कैसे बनाया जाएगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि आप Gmail ID से लेकर YouTube चैनल तक कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और अगर आपके पास एक कंप्यूटर नहीं, अगर आप एक मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल से कैसे बनाया जाएगा, तो वो भी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद आपको हम बता देंगे कि आप एक यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, और यूट्यूब चैनल बना करके उसमें आप अपना खुद का वीडियो अपलोड करके उससे आप अच्छे खासे अर्निंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जीमेल आईडी कैसे बनाया जाएगा, और जीमेल आईडी के बाद जो यूट्यूब चैनल को बनाया जाता है तो यूट्यूब चैनल को कैसे बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल को कैसे बनाया जाएगा और जीमेल आईडी को कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और दोस्तों, यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जीमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर जीमेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज इस तरह से खुल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम डालना है, फर्स्ट नाम। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं BJTech TV का नाम से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये यूज़र नेम जो है, यहाँ पर ये अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम बनाने के बाद यहाँ पर आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर मेरा जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर ये बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपने जीमेल आईडी को और यहाँ पर जो पासवर्ड डालेंगे उसको यहाँ पर आपको कहीं पे लिख के रख लेना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर लॉगिन नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा चैनल का नाम है वो यहाँ पर BJTech TV का नाम से हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना क्या है, यहाँ पर जीमेल आईडी को लिख लेना, और पासवर्ड को लिखने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एक फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फटाफट से इसको डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इतना डालने के बाद दोस्तों, नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपका नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको बोला जाएंगे कि आपका नंबर पर एक OTP जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा मोबाइल में 1-6 डिजिट का OTP गिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो OTP को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से यहाँ पर वो OTP को ज़रूर से डाल देना, नहीं तो फिर आपको अपना जीमेल आईडी को रिकवरी करने में दिक्कत आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा जो जीमेल आईडी हो यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जीमेल आईडी बनने के बाद अब इस जीमेल आईडी से हमें क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल को कैसे बनाया जाएगा, तो ये आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने जीमेल आईडी को और अपने पासवर्ड को यहाँ पर आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने जीमेल आईडी को और अपने पासवर्ड को यहाँ पर लिख के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड को। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे लॉगिन करना पड़ेगा इस जीमेल आईडी और पासवर्ड को। तो यहाँ पर हम इस जीमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो जीमेल आईडी है और जीमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर मेरा जो जीमेल आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब इससे हमको एक यूट्यूब चैनल बनाना है।
तो YouTube चैनल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लोगों पे क्लिक करना। लोगों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए चैनल का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो चैनल आपने जो जीमेल आईडी में यूज़र नेम दिए थे वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो इसको यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर सक्सेस हो चुके हैं, यहाँ पर YouTube चैनल जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमको ऊपर में बता रहा है कि योर चैनल विजय टेक टीवी हैज़ बीन क्रिएट, यानी कि यहाँ पर जो YouTube चैनल जो विजय टेक टीवी का नाम से है वो यहाँ पर बन चुके हैं। तो ये सब को हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे इस चैनल को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से YouTube पे आएंगे, और YouTube पे आने के बाद यहाँ पर आगे का सेटिंग आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो ये आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो चैनल है वो यहाँ पर चैनल बन चुके हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माय चैनल पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चैनल को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, चैनल को सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो आपका चैनल बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने चैनल को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ चैनल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है यहाँ पर ये खुल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा 5-10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ये खुलने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम भी वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पेज इस तरह से खुलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, यहाँ पर सेटिंग पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर चैनल पर क्लिक करना है, और चैनल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, नीचे आना, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस चैनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चैनल का जो कीवर्ड है तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विजय टेक टीवी का नाम से कीवर्ड है वो यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चैनल को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। और ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पर पहले लोगो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जो चैनल का आर्ट होता है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप कस्टमाइज़ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लोगो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको लोगो बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि लोगो किस तरह से बनाया जाता है तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब का जो लोगो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बैनर होता है, चैनल जो आर्ट होता है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो चैनल आर्ट भी कैसे बनाया जाता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख करके आप एक चैनल आर्ट बना लेना अपने मोबाइल से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस चैनल आर्ट को बना करके रखा है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें को डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये चैनल का जो लोगो है, प्रोफाइल पिक्चर है, वो यहाँ पर लग चुके हैं, और चैनल का जो बैनर है वो यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ऊपर में पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा जो चैनल का प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा जो बैनर है वो यहाँ पर लग चुके हैं। तो यहाँ पर होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा लोगो है यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा जो चैनल आर्ट है वो यहाँ पर लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इसको करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। ये जो चैनल है इस चैनल को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पेज इस तरह से खुल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल पे क्लिक कर देना है, और चैनल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसका बगल में दोस्तों यहाँ पर आपको फ्यूचर से एलिजिबल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा जो एलिजिबल है। यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर ये इनेबल किया हुआ है।
तो इस तरह से आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डालना है। यहाँ पर बोला जाएगा टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डायल कर देना है, जिस मोबाइल नंबर पर आपके मोबाइल में एक OTP आएंगे। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फटाफट डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में सबमिट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 6 डिजिट का OTP है वो यहाँ पर मेरे मोबाइल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वो 6 डिजिट का OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 डिजिट का OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो चैनल है वो यहाँ पर चैनल बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना, आपको अपना खुद का वीडियो बनाना है। बनाने के बाद इस चैनल पे आपको अपलोड करते रहना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी वीडियो आप बनाएंगे आप वो वीडियो को आपको यहाँ पर ले लेना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये एक फोल्डर, यहाँ पर एक वीडियो, इस वीडियो को हम ले लेते हैं। और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वीडियो को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वीडियो है, ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आगे का प्रोसेस आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये जो भी ये जो चैनल है ये चैनल बन चुके हैं। अब दोस्तों वीडियो को अपलोड कैसे करना है, वीडियो का टाइटल कैसे लगाना है, वीडियो का टैग कैसे लगाना है, और डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, या आपका वीडियो आपका चैनल सर्च में नहीं आते हैं तो चैनल सर्च में कैसे आएगा, तो ये सब वीडियो जो है ये सब वीडियो आगे आने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।